ऑल आज हम विंटर के सबसे कलरफुल प्लांट पिटूनिया की बात करेंगे। पॉट्स में तो पिटूनिया हम सब लगाते हैं, पर बास्केट्स में लगाने के लिए ये मेरा सबसे आइडियल प्लांट है। हम इसको कोको कॉयर के बास्केट में लगाया है। आप चाहे तो इसको प्लास्टिक के या जो भी अवेलेबल बास्केट हो उसमें लगा सकते हैं। सबसे पहले इसकी सॉइल मिक्स की बात करते हैं। अगर इसका सॉइल मिक्स परफेक्ट होगा तो हमारा प्लांट बहुत हेल्दी होगा, ब्लूम्स भी बड़े होंगे। सॉइल मिक्स के लिए हम लेंगे 40% प्लेन गार्डन सॉइल, 30% कोकोपीट, 30% वर्मी कॉम्पोस्ट या काउडंग कॉम्पोस्ट। जब हमें इसे वाटरिंग करनी है तो धीरे से प्लांट को लिफ्ट करके इसके नीचे से वाटरिंग करनी है। कभी भी ऐसे पूरे प्लांट को शावर करके वाटरिंग नहीं करते हैं, नहीं तो हमारा प्लांट खराब हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं हमारा पिटूनिया मार्च अप्रैल तक फ्लावरिंग करे तो इसकी डेड हेडिंग करना बहुत जरूरी है। डेड हेडिंग कह लो या पिंचिंग कह लो, जिन्हें नहीं पता डेड हेडिंग का मतलब होता है जैसे कि ये हमारा प्लांट फ्लावर सूख गया है, इसको इस तरह से पिंच करके नहीं निकालना। ये जो पोर्शन है, जो ये ब्रांच के साथ ये छोटा सा पोर्शन है, इसको पूरा यहाँ से पिंच करके हम इसके फ्लावर के साथ निकालेंगे। ये सीड पॉड को भी निकालना बहुत जरूरी है। जब हम ऐसे करके पिंचिंग करेंगे तो हमारा प्लांट काफी दिनों तक ऐसे ही ब्लूम्स देते रहेगा। हैप्पी खेती, बाय।